हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का पकौड़ा। प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए हमें ये चाहिए चार प्याज प्याज है जिसे हमने स्लाइसेस में काट लिया है। ये देखिए, ये एक आलू है जिसे हमने चॉप कर लिया है एकदम। चार मिर्चा हमने लिया है जिसे बारीक काट लिया है। इसे हम एक बॉल में डालेंगे। ये देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट को डाल लिया है एक बॉल में। ये 240 ml का कप है। इससे हमने एक कप बेसन लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। ये 30 ml का कप है। इससे हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। ये हमारा 1/4 teaspoon है। इससे हम सारे मसाले डालेंगे। एक चम्मच इससे डालेंगे हम हल्दी पाउडर। एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच डालेंगे इससे हम काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे इसमें। स्वाद अनुसार नमक डालें। ये हमारा 30 ml वाला कप है। इससे हम आधा कप हमारा 30 ml वाला कप है। इससे हम आधे कप पानी लेंगे। ये देखिए, हम आधे कप पानी लिए हैं, अब इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मिला लें। ये देखिए, हमने अच्छे से एकदम मिला लिया है। इसमें आप आधा कप ही पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी डालने से पकौड़ा अच्छा नहीं बनता है, गीला हो जाता है। इसका एकदम बैटर ऐसा रखें। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम छान लेते हैं। हम एक लोहे की कढ़ाई बैठाए हैं, इसे गरम कर लें अच्छे से। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, गरम होने दें। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके पकौड़ा अपना डालेंगे। ये देखिए, अब इसे दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लें। हम चला लेते हैं इसे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, हमारा दोनों तरफ से पकौड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देंगे। अब पकौड़े को हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमने सारे पकौड़े को सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं। अब इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और हम थोड़ा सा हरा मिर्चा डालेंगे ऐसे लंबा लंबा काट के। ये देखिए, हमारा पकौड़ा बन के एकदम तैयार हो गया है। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना मस्त बना है, एकदम अंदर से क्रंची हो गया है। अगर हमारा प्याज का पकौड़ा का रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।